हेलो गाइस, तो सारा को उसके पापा करा रहे हैं फेड और हम हो चुके हैं रेडी, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बाहर। आज सारा पूरे 7 मंथ की कंप्लीट हो चुकी है और ये है बर्थडे। कल हो चुकी है रेडी बाहर घूमने के लिए और वेदर काफ़ी अच्छा है, तो हमने सोचा बाहर जाना सही रहेगा क्योंकि हो सकता है शाम को बारिश भी होगी और नॉर्मली सारा को बाहर घूमना बहुत पसंद है। और आज शिवा का ऑफ था तो ये बहुत अच्छा ओकेज़न था। जब तक मैं ये पोस्ट करूँगी मे बी वो 2-3 डे प्लस हो चुकी होगी 7 मंथ में। तो फर्स्ट हमने डिसाइड करा हम लेंगे पहले कॉफ़ी, और आज नॉर्मल डे से ज़्यादा गार्मिश में रश था। नॉर्मल इतना होता नहीं है, आई थिंक कोई फेस्ट था इस वजह से, पता नहीं क्यों, बट बहुत ही अच्छा वेदर था। बीच बीच में धूप भी निकल रही थी और थोड़ा क्लाउडी भी था, बट स्टिल गर्मी नहीं थी, नॉर्मल था कि आपको ज़्यादा गर्मी फील ना हो, ये सही होता है। बट अगर ज़्यादा धूप होती है तो बहुत गर्मी लगती है यहाँ पे। फिर उसके बाद शिवा ने डिसाइड करा कि हम सारे के लिए थोड़ी शॉपिंग करेंगे, तो हम गए शॉपिंग मॉल उसके लिए थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। फिर मुझे वहाँ पे थोड़े क्यूट क्यूट से ड्रेसेस दिखी जो 0 से 1 मंथ के बेबीज़ के लिए थे, वो इतनी प्यारी लग रही थी देखने में, और उसे देख के मुझे फील हो रहा था सारा सच में बड़ी हो गई है। वो न्यू मॉम, आई थिंक एवरी मॉम के लिए फीलिंग होती है जब वो बच्चों को देखती हैं तो उन्हें फील लगता है छोटे, बट जब दूसरे छोटे बच्चों को देखती हैं तब उन्हें रियलाइज़ होता है बच्चे बड़े हो गए। ओके, तो फिर तय हमने डिसाइड करा अब हमें कुछ खा लेना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे अभी हर जगह बहुत रश है। और मोस्टली क्या होता है कि नॉर्मल लोग पहले से रिजर्वेशन ले लेते हैं, जो हमने नहीं करी थी, इसलिए हमें डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि कौन से रेस्टोरेंट में जाए और कहाँ जाए। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है, और ये म्यूज़िक, लाइव म्यूज़िक अगर मौसम अच्छा है तो ये नॉर्मल यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। ये गार्मिश-पार्थेनकिर्चन का सेंटर है जो कि बहुत सुंदर है। यहाँ पे 2 सेंटर पड़ते हैं, पार्थेनकिर्चन का अलग सेंटर है और गार्मिश का अलग, बट मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि हम इधर रहते भी हैं तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। लुद्विगस्ट्रासे भी एक पार्थेनकिर्चन का सेंटर होता है, बट वो अलग है, अपनी जगह हिस्टोरिकल है। तो ये एक बहुत ही अच्छा व्यू है जहाँ से सुक्सपिट से दिखता, हाईएस्ट माउंटेन है गार्मिश के अंदर। फिर हमने लिया लंच, इस बीच में सारा सो चुकी थी तो मुझे लगा मैं आराम से खा लूँगी जब तक वो सो रही है, बट नो, जैसा कि मॉम जानती हैं उन्हें बच्चों को पता होता है आप खाने वाले हो तो हमें उठना, और वो उठ गई। तो इस तरीके से हमने सारा का बर्थडे स्पेंड करा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।